यदि आप अपने खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि व्यापार को शुरू करने के लिए शुरुआत में कितने रुपयों की ज़रूरत होगी और लगातार बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। आपका बिजनेस कितने टाइम बाद प्रॉफिट देना शुरू करेगा, अपने रुपयों की ज़रूरत को इस प्रकार विभाजित करके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो छोटे व्यापारियों के लिए सलाह, अधिकतर देखा गया है कि छोटे व्यापारी अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मसलों को अनदेखा कर देते हैं या ये सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। ऐसा करके वो अपने लिए काफ़ी रिस्क ले लेते हैं, जिससे आने वाले समय में उनके बिजनेस के लिए निर्णय घातक साबित होता है। उनका ज़्यादा ध्यान बिजनेस से जुड़े वित्तीय मसलों पर होता है। ये वे मान लेते हैं कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप पूरी हो जाएंगी। ऐसे में वे बिजनेस के जोखिम से जुड़े पहलुओं को भी नज़रअंदाज करते हैं। यदि आप छोटे व्यापारी हैं और आपने अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को अलग अलग नहीं कर रखा है तो ये मानकर चलिए कि बिजनेस में दिक्कत आने पर आपके पर्सनल फाइनेंस पर असर पड़ना तय है। जब भी आप अपने बिजनेस प्लानिंग करें तो आपके बिजनेस गोल्स होने चाहिए जो पर्सनल गोल्स के लिए भी मददगार हों, जिससे आप दोनों क्षेत्रों में अपनी वित्तीय स्थिति अच्छी तरह मैनेज कर सकें। इसके लिए इन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कुछ बुनियादी टिप्स जो आपको फाइनेंशियली मजबूती देंगे। पहला, बिजनेस के लिए अलग से रखें इमरजेंसी फंड। जॉब वालों की तरह बिजनेस में हर महीने सैलरी नहीं मिलती, कुछ महीनों में आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, आप जो बिजनेस शुरू किए होते हैं वो भी लोन पर आधारित होता है। यदि आपका अपने खर्चों में कैश लेन देन पर नियंत्रण नहीं है या पर्सनल व बिजनेस के खर्चों को अलग नहीं रखा है तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चों के लिए आपको सेविंग्स में से पैसे निकालने पड़ सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस से जुड़े खर्चों व गंभीर परिस्थिति में खर्चों की पूर्ति करने के लिए आपको कम से कम 6 महीनों का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। दूसरा, सभी तरह के रिस्क के लिए उचित बीमा कवर लें। आपको अपने जीवन, स्वास्थ्य और दुर्घटना जैसी निजी रिस्क के अलावा बिजनेस में आग, चोरी, कर्मचारियों के लिए विश्वासघात, एक्सीडेंट आदि जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको यदि कुछ हो गया तो लेनदारों के जोखिम को भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इन सभी जोखिमों को बीमा कंपनी पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और जहां लेनदारों का जोखिम हो वह जीवन बीमा पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत खरीदनी चाहिए। इससे बीमा क्लेम की राशि पर जीवन साथी और बच्चों के अलावा कोई अन्य दावा नहीं कर सकेगा। परिवार के लिए उचित बीमा कवर लें, इससे आपात स्थिति आने पर बिजनेस वित्तीय रूप से प्रभावित नहीं होगा और आपकी पर्सनल समस्या भी सुलझ जाएगी। तीसरा, कर्मचारियों की तरह काम करें। बिजनेस में अनुशासित होना बेहद अनिवार्य है। यदि आप अनुशासित नहीं होते हैं तो आपके कर्मचारी भी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। बिजनेस में अनुशासित बने रहने के लिए बेहतर यही है कि खुद को सैलरी दें। इससे अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, अगले साल वेतन बढ़ाया भी जा सकता है। बिजनेस अच्छा चला तो खुद को बोनस भी दे सकते हैं। बिजनेस से संबंधित हर तरह की गतिविधियों की प्लानिंग पहले से बनाकर चलें, इससे आपको पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। मासिक आय और खर्च मालूम होने से आप अपनी बचत का पर्सनल फाइनेंस के लिए प्रभावी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। चौथा, अकाउंटेंट और एडवाइज़र में फ़र्क समझें। हर प्रोफेशनल के पास अपने खास क्षेत्र की एक्सपर्टाइज होती है और एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां आपके खाते को मैनेज करने, कॉरपोरेट एक्ट, ऑडिट आदि में आपकी हेल्प कर सकता है, वहीं एक फाइनेंस प्लानर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आदि में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ये दोनों ही अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए कौन सी सलाह किस एक्सपर्ट से लेनी है ये मालूम होना चाहिए। यदि आप सही आंसर चाहते हैं तो सही व्यक्ति से क्वेश्चन करें, क्योंकि कई बार सही जवाब ना मिलने पर आप कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। पांचवा, फंडिंग ऑप्शंस, बिजनेस को आगे बढ़ाने का स्रोत। अपने व्यवसाय की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंडिंग विश्लेषण करें। आजकल स्टार्टअप फंडिंग के कई नए सारे स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड, क्राउड फंडिंग आदि। फाइनेंशियल ज़रूरतों का चुनाव कर लेने के बाद फंडिंग या लोन के लिए आवेदन करें और फंडिंग की प्रक्रिया को ध्यान से समझें। फंडिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान का समय रहते इंतजाम करें, जिससे आप अपने बिजनेस को बिना किसी फाइनेंशियल समस्या के रफ्तार दे सकें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।